रोहन, बेटा कृष्णा का फोन आ रहा है। बहुत दिनों से उसने एक रिश्ता बताया हुआ है तुम्हारे लिए। ऐसा करते हैं, कल चलते हैं। ओफो पापा, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। ये शादी के नाम पर बेड़ी से मत बांधिए मुझे। चुप कर जा रोहन, कृष्णा तेरी बड़ी बहन है, उसने कुछ सोच समझ कर ही ये रिश्ता बताया होगा ना। तुझे पता है कानपुर के जाने माने लॉयर हैं लड़की के पापा, और लड़की भी लॉ पढ़ रही है। एक बार चल के तू देख तो ले, अगर लड़की पसंद ना आए तुझे तो रहने देंगे, ठीक है? ये सच था कि रोहन फिलहाल शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के जोर देने पर वो अगले दिन लड़की के घर चला गया। लड़की का नाम कीर्ति था। कीर्ति के पिता कितने बड़े आदमी थे ये उनका घर देखकर ही पता चल रहा था। दीदी यार, ये कहां से लेके आई हो? इनकी हैसियत देखकर तो नहीं लगता कि ये हमसे रिश्ता जोड़ेंगे, फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। तू चुप कर, लड़की के पिता तेरे जीजा जी को बहुत मानते हैं, और तेरी फोटो देखने के बाद इन्होंने ही बात शुरू की थी, तो तू फालतू की बातें मत सोच और चुपचाप बैठा रह, समझा? रोहन की बहन कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही थी। असल में रोहन पहली नजर में ही कीर्ति के पिता को पसंद आ गया था, और अब बारी कीर्ति को पसंद करने की थी। दीदी ये तो नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर रोहन गुस्से से उठा और वहां से बाहर चला गया। असल में कीर्ति का रंग काफी दबा हुआ था। रोहन ने कीर्ति का चेहरा देखने के बाद उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश तक नहीं की। रोहन को जाते देखकर कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन सीधा जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया। तभी उसकी बहन कृष्णा वहां आई और उससे बोली, रोहन तू पागल है क्या? ऐसे उठकर क्यों चला आया वहां से? कैसा लगा होगा कीर्ति को और उसके पापा को भी? अच्छा, उन लोगों की परवाह है तुम्हें, और अपने भाई की बिल्कुल भी नहीं। दीदी, यहाँ लाने से कम लड़की की फोटो तो मंगवा लेनी चाहिए थी तुम्हें। ऐसी काली कलूटी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जाओ जल्दी पापा को बुलाकर लाओ, मुझे घर जाना है। जरा ठंडे दिमाग से सोच रोहन, कीर्ति कोई साधारण लड़की नहीं है। तुझे याद है तेरे जीजा जी की कंपनी पर वो फ्रॉड का केस हो गया था? उस केस को कीर्ति के पापा ही लड़ रहे थे। देख रोहन, बात साफ है, अगर तेरी और कीर्ति की शादी नहीं हुई तो उसके पापा कभी इस केस को नहीं छोड़ेंगे, और फिर तेरे जीजा जी, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा तो ये बात है, तुम जीजा जी को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो? नहीं पागल, तुझे बलि का बकरा नहीं बल्कि इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस बनाना चाह रही हूँ मैं। कीर्ति अपने पापा की इकलौती संतान है, जरा देख एक बार पलट कर इस आलिशान बंगले को देख, और फिर बोल क्या है तेरा फैसला। रोहन को अपनी बहन का इशारा समझ आ गया था। अब उसकी नजर कीर्ति के दबे हुए रंग से ज्यादा उसके पापा की दौलत को देख रही थी, जिसके लालच में आकर उसने आखिरकार अपना फैसला बदल दिया और कीर्ति से शादी कर ली। जैसी की उम्मीद थी, कीर्ति के पापा ने दान दहेज के रूप में रोहन और उसके परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन इस सब के बाद भी कीर्ति को रोहन से वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। सुनिए, पापा ने हम दोनों के लिए स्विट्जरलैंड की टिकट्स भेजी हैं, हमें परसों निकलना है। क्या परसों? नहीं, पॉसिबल नहीं है, शादी की वजह से पहले ही काफी छुट्टियां हो चुकी हैं। तुम ये टिकट्स कैंसिल करवा दो, और अपने पापा को मेरी तरफ से सॉरी भी बोल देना। ये तो बस शुरुआत थी, साथ में घूमना फिरना तो दूर की बात है। रोहन ने कभी भी कीर्ति की तरफ प्यार से देखा तक नहीं। कीर्ति को सच का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी वो चुप रही। उसकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने घर संभालने का ही फैसला किया। असल में वो रोहन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये लीजिए आलू के पराठे, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, मगर सिर्फ मम्मी के हाथों से बने, वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है। तुम ये ले जाओ, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। एक बार खाकर तो देखिए, मैंने बहुत प्यार से बनाए हैं आपके लिए। उफ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे बनाए हुए इस पराठों में? अगर ऐसा है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बोलिए, आप पर कोई दबाव था क्या? बस ऐसा ही समझ लो तुम, और ये भी समझ लो तुम और मैं बस दुनिया में सामने साथ हैं, असल में ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया, लेकिन कीर्ति काफी देर तक वहीं खड़ी रोती रही। उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। वो चाहती तो ये सब कुछ अपने पापा को बताकर रोहन को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने और रोहन के रिश्ते को वो हर मौका देना चाहती थी जिससे सब कुछ ठीक हो सके, लेकिन रोहन की सोच बहुत अलग थी।
वो अपने दिल और दिमाग से अब भी शादीशुदा नहीं था। एक्सक्यूज मी मिस्टर रोहन, उस लड़की का नाम शनाया था जो रोहन की नई असिस्टेंट अपॉइंट की गई थी। दूध से सफेद शनाया को देखते ही रोहन उसका दीवाना हो गया। हेलो मिस्टर रोहन। हेलो, यस यस सॉरी, जी जी, हाँ मैं ही रोहन हूँ। नाइस टू मीट यू, आई एम शनाया, आपकी नई असिस्टेंट। अब से हम साथ ही रहेंगे, मेरा मतलब है कि साथ काम करेंगे। ओह वाओ, यू आर मोस्ट वेलकम, या प्लीज कम दिस साइड। रोहन ने शनाया के लिए अपने केबिन के साथ साथ अपने दिल का रास्ता भी खोल दिया था। बहुत ही कम वक्त में दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई, और फिर ये रिश्ता दोस्ती से भी आगे बढ़ने लगा। ओ रोहन, सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना इज लाइक मोस्ट अमेजिंग थिंग इन माय लाइफ। काश हम ऐसे ही सारी जिंदगी साथ बिता पाते। क्यों नहीं डार्लिंग, ऐसा बिल्कुल होगा, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूंगा। लेकिन उस कीर्ति का क्या जो तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बनकर खड़ी है, उसके रहते हम कैसे साथ रहेंगे? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, एक बार उसके पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, फिर उसे धक्के मारकर मैं अपने घर और जिंदगी दोनों से बाहर निकाल दूंगा। रोहन के इरादों की भनक कीर्ति को बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो किसी भी तरह से अपने और रोहन के रिश्ते को बचाने की कोशिश में लगी थी। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि कीर्ति के पापा नहीं रहे। चौंकाने वाली बात ये थी कि मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी थी। असल में ये कीर्ति की ही मर्जी थी। अपने पिता की मौत के गम में कीर्ति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन रोहन गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। एक बात बता, जब तेरे बाप को सब कुछ दान में ही देना था तो क्यों तुझे मेरे माथे मड़ा उसने, हैं? खबरदार, मेरे पापा के बारे में तमीज से बात करो, उन्होंने जो किया मेरे कहने पर ही किया। जब आप मुझे नहीं अपना सकते तो मेरे पापा की प्रॉपर्टी कैसे रख सकते हो? कीर्ति की बात सुनकर रोहन ने एक जोरदार थप्पड़ कीर्ति के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज और तकलीफ तो कीर्ति ने किसी तरह बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था वो उसके बर्दाश्त के बाहर था। रोहन अगले ही दिन शनाया को अपने साथ अपने घर ले आया और अपने माता पिता से बोला, मम्मी पापा ये शनाया है, हम दोनों परसों शादी करने वाले हैं। रोहन ये क्या बकवास है, तुम्हारी पत्नी कीर्ति है, भूल गए क्या? नहीं पापा, वो मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ एक बोझ है जिसे दीदी के खातिर मैंने अपने सिर पर उठा लिया, लेकिन अब बस मैं इस काली कलूटी की मनहूस शक्ल और नहीं देख सकता। इससे कह दो ये चुपचाप यहाँ से चली जाए, वरना धक्के देकर बाहर निकालने में बहुत तमाशा होगा। रोहन के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब इस सब की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। अपनी सौतन को सामने खड़ा देखकर कीर्ति के सब्र का बांध टूट गया और वो बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर खुद ही वहां से चली गई। कीर्ति कहां गई, कैसे गई, इस बारे में रोहन ने कभी जानने की कोशिश नहीं की और बिना देर किए शनाया से शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर शनाया उठो यार, मम्मी पापा कितनी बार पूछ चुके हैं, जाकर ब्रेकफास्ट रेडी कर दो सबके लिए। ओह गॉड, रोहन अपने मम्मी पापा को बोलो कि मैं उनकी नौकर नहीं हूँ, अगर भूख लगी है तो खुद कुछ बनाकर खा ले, मुझे अभी और सोना है। शनाया ये क्या बोल रही हो तुम, मैं शुरू से इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करोगी, तुम इस घर की बहू हो, घर संभालना और सबका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे कीर्ति किया करती थी। क्या कहा तुमने, वो कीर्ति, उसकी और मेरी बराबरी तुम कर भी कैसे सकते हो रोहन? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे उससे तुम्हारा मन भर गया था वैसे ही अब मुझसे भी मन भर गया है? ओके, पर एक बात अच्छे से समझ लो रोहन, वाकई मेरी और उस कीर्ति की कोई बराबरी नहीं है, वो तो बहुत आसानी से तुम्हें छोड़कर चली गई, पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। रोहन और शनाया के बीच हर रोज झगड़े होने लगे थे, जिसके बाद रोहन को हर पल कीर्ति की याद आ रही थी। उसने कीर्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन, माय लॉर्ड, ये आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है, इसके माँ बाप भी मुझे सारा दिन खरी खोटी सुनाते हैं, भगवान के लिए मुझे इससे तलाक दिलवा दीजिए, लेकिन वो सब भी जो मेरा हक है। मिस्टर रोहन, आपकी तरफ से वकील कौन है? कोई नहीं है सर, मेरे पास वकील करने के लिए पैसे ही नहीं है।
इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। ये कहकर रोहन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी कोर्ट रूम में काला कोट पहने कीर्ति दाखिल होती है और जज से कहती है, योर ऑनर, मैं कीर्ति, मैं हूँ इनकी वकील। मेरे पास इस बात के पूरे सबूत है कि असल में इन दोनों की शादी ही गैर कानूनी थी, इसलिए अब तलाक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना मिस्टर रोहन? कीर्ति को सामने देखकर रोहन कह तो कुछ नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे थे। उसके अंदर का पछतावा भी और कीर्ति के लिए पहली बार महसूस हो रहा प्यार भी।